तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का JMI 2017 में जो पेपर आया था, BA पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी साइकोलॉजी ज्योग्राफी। ये कॉमन ग्रुप होता था तो इनका एक ही पेपर था। ठीक, तो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। तो पहला जो है रीजनिंग का क्वेश्चन था, चूज द ऑड नंबर, ऑड वाला हमें बताना है इसमें। तो हेलो, कौन सा? हाँ ईशान, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज से हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस शुरू कर रहे हैं। तो ये ओके जामिया सर। 2017 BA पॉलिटिकल सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एक ही ग्रुप से ज्योग्राफी, तो हम उसी को शुरू कर रहे हैं। ओके सर। पहला बताना है ऑड नंबर। क्वेश्चन विजिबल है सबको? क्लियर दिख रहा है? ठीक यस सर। है, तो क्वेश्चन नंबर 61 ये है, चार ऑप्शन है, ऑड वन आउट। क्या लग रहा है बताओ? बुक और पेज में कोई रिलेशन होगी, टेबल ड्रॉअर में कोई रिलेशन है, लूम क्लोथ में, कार व्हील में। तो तीन जो ऑप्शन होंगे उसमें सेम रिलेशन होगी, एक अलग होगा इनमें से। ऑप्शन सी, और बताओ। बी सर। हाँ, बी के अलावा और लोग बताओ। ईशान, पेज टेबल ड्राइवर। देखो इसका करेक्ट आंसर है सी। अब देखो क्या रिलेशन ला रही है। देखो बुक पेज यानी बुक के अंदर क्या होता है, पेज पार्ट है, टेबल के अंदर ड्रॉअर होती है, अच्छा कार हाँ के यस अंदर सर। व्हील होते हैं, लेकिन लूम क्या होती है, लूम में क्लोथ बनाते हैं हम, इसमें कोई आपस में पार्ट वाली रिलेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी। ठीक, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड ऑफ पेयर डिफरेंट फ्रॉम द थ्री, वही चीज ऑड वन है इसमें भी, गैदर, कॉन्ग्रीगेट, एक्यूमुलेट और एग्रीगेट। सना ने ज्वाइन नहीं किया है अभी? सर, मैंने मैसेज कर दिया उसको, आ रही हो। हाँ नहीं, ये थोड़ा इंग्लिश का क्वेश्चन था ना, तो सना जरा अच्छे से बताती। एक्चुअली में बड़ा ट्रिकी है, मुझे भी, मैं श्योर नहीं हूँ कि सही है या नहीं आंसर, जो मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से होगा। तुम लोग सोचने की कोशिश करो, चार वर्ड है, गैदर, कॉन्ग्रीगेट, एक्यूमुलेट और एग्रीगेट। एग्रीगेट ऑड वन मुझे कौन सा हो लगते हैं वो सकता है? ऑप्शन डी, डी एग्रीगेट सर। एग्रीगेट। एग्रीगेट ही लग रहा है सर। चलो सना ने भी ज्वाइन कर लिया, सना से और पूछ लेते हैं, सना को तो इंग्लिश का ही देना है मेन। सबको डी लग रहा है, एग्रीगेट। सर हाँ हेलो सना, तुम्हारे याद कर रहे थे अभी। देखो सॉरी सर, कोई बात नहीं, थोड़ा आज 2017 का हम BA पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी साइकोलॉजी और ज्योग्राफी, पहले ये एक ही ग्रुप था, अब पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स अलग कर दिया, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी ज्योग्राफी अलग कर दिया है, तो 17-18 अच्छा में सर। हाँ सेम सर, पेपर मैंने था। जब मैंने देखा डेट शीट, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस का अलग पेपर है और अलग साइकोलॉजी का अलग पेपर है। है हाँ साल से सर। कर दिया 2019 से। तो ओके ये सर। ऑड वन आउट बताना है हमें, तो ये चार वर्ड में से कौन सा लग रहा है? सब लोग डी कह रहे हैं और मुझे भी इसका डी ही लग रहा है, एग्रीगेट। यस सर। क्या रिलेशन लग रही है आफताब? सर कैसे डी कह रहे हैं सब लोग? ईशान, सना कैसे कहा डी, एग्रीगेट? देखो मुझे जो लग रहा है, मैं भी मतलब श्योर नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा ट्रिकी है। गैदर जैसे मतलब जमा करना, मतलब यस सर। एक्शन है ये भी, कॉन्ग्रीगेट भी और एक्यूमुलेट भी। यस सर। एग्रीगेट एक तरीके से सम या टोटल होता है, तो यस सर। मतलब ये तीन वर्ब एक्शन लग रहे हैं और ये अलग लग रहा है मुझे, मतलब मेरे हिसाब से तो डी होना यस चाहिए, सर। हाँ सर, ऐसे ही हुआ। ऐसे लग रहा है। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जामिया में। सर मैंने इसमें तुक्का मार दिया था।
अच्छा तुक्का ठीक है जी, देख लेना इस बार निगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्योंकि हाँ जामिया सर, जो डिप्लोमा का जो नोटिफिकेशन आया उसमें निगेटिव मार्किंग शुरू कर दी है उन्होंने। इसमें भी होती है शायद, अच्छा ये पहले नहीं होती है रहती थी, अब कर दी होगी शायद। पहले भी चलो होती है पहले सर, तो इसमें भी डी। इसमें डी। हाँ भाई जल्दी जल्दी बता दे हाँ जाओ, सर, गुड। ये तो चलो यस टोमाटो सर। पोटैटो अलग है, मैंगो फ्रूट है, हाँ क्लास है, ठीक है। फिर से ऑड वन, देखो कई सारे ऑड वन पे ही क्वेश्चन आ गए। सर बी। नहीं, बी नो सर सुनो सुनो बी, सुनो, यस सर यस बी, सर सी बी। सी बी बी सी बी, कौन सा ऑप्शन? ओके बी। डी बी है। चलो देखो इसमें है ए किस तरीके से है, ये देखो ऑरेंज एप्पल गवावा, ये तीनों क्या है सर फैमिली फ्रूट फ्रूट को, यानी फ्रूट्स एक ही फैमिली के हैं तीनों, लेकिन यस सर, बाकी में देखो ब्रिंजल पॉमीग्रेनेट वीट अलग हो गए, वेजिटेबल डिफरेंट है। राइस पल्सेस कॉटन, सीरियल्स हैं ये कॉटन अलग हो गया, क्यूब यस सर, कोरिएंडर मिलेट ये भी सब अलग है, तो ये तीनों एक ही फैमिली को कर रहा है तो ये ऑड है। देखो ए ऑड का मतलब ये नहीं होता कि इनमें अलग अलग है, तो ये चीज हमें रिलेशन पे ध्यान देना है, ये तीनों में क्या है डू नॉट बिलोंग सेम फैमिली, यानी इनमें एक कॉमन रिलेशन कि ये तीनों ऑप्शन किसी फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये तीनों सेम होगा इस बार, और ये जो एक ही को कर रहा था ये अलग हो गया। ठीक, यस सर, तो हमें रिलेशन पे ध्यान देना है, ये नहीं कि ये तीनों एक जैसे हैं तो ये तो ठीक है बाकी कुछ गड़बड़ होगी, मेन होता है इसमें रिलेशन। अब जैसे 65 पर आओ, इसका भी ए वाला होना ए चाहिए। ही होगा शायद ए, ये देखो ऑस्ट्रिच हैं, स्वान, तीनों क्या है बर्ड्स हैं, बर्ड्स सेम। हाँ सर, ये बाकी सब सारे अलग डिफरेंट अलग, डिफरेंट है। दो एक फैमिली के लेकिन तीसरा डिफरेंट हो जाता है। 66 सर पता नहीं, शायद बी। कीबोर्ड माउस कैटेगरी, चलो इस बार हम ऑप्शन वाइज लेके चलते हैं, कीबोर्ड माउस कैटेगरी, तो ये तो गलत लग रहा है, कीबोर्ड और माउस तो चलो कंप्यूटर या लैपटॉप के पार्ट्स थे, कैटेगरी अलग हो गया। एवरेस्ट क्लब एलिफेंट, ये ऑप्शन भी सी, कुछ ऑप्शन ऑप्शन, ऑप्शन सी। येन पाउंड करेंसी, देखो येन और पाउंड यस दोनों सर, क्या दोनों है करेंसी के, लेकिन करेंसीज है। डी ऑप्शन भी है अभी, हर्ट्ज कैलोरी वॉट, सारे नाम सुने यूनिट्स इसके, है। यूनिट्स यस है सर, यस यस सर, सर, फिजिक्स ये यूनिट्स है। हाँ में। यस सर, सारे सेम है। यानी ये देखो तीनों एक ही फैमिली के, येन यस सर, पाउंड और अगर डॉलर होता या यस सर, वो रुपीस भी एक होता फैमिली के होते हैं। ये फैमिली कहलाता, लेकिन अगर येन पाउंड और उस फैमिली का नाम दे दिया तो तीनों अलग होगा इस बार, मतलब थोड़ा ध्यान देना, येन और पाउंड है तो करेंसी लेकिन यस सर, रिलेशन जो बन रही है देखो तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, तो यहाँ तीनों यूनिट्स हैं, इसलिए ये हमारा ऑप्शन ऑल्ट वन होगा। क्लियर दोनों में डिफरेंस? यस सर, यस यस सर। क्वेश्चन 67, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज, सर अरे 15 बड़ी प्राइम जल्दी बता दिया, कैसे नंबर्स प्राइम है नंबर से शायद ना, बाकी बाकी सारे सारे। गुड, बाकी सारे देखो 7, 11, 13, 19, 23 प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, प्राइम का अपोजिट क्या होता है कंपोजिट, कंपोजिट। ये कैसा नंबर है कंपोजिट, एक चीज जरा समझते हुए चलो, प्राइम नंबर जो होता है प्राइम नंबर के एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब डेफिनेशन हम प्राइम नंबर को ऐसे डिफाइन करते हैं जिसके दो फैक्टर, जैसे मान लो 3, तो 3 के दो फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 और एक 3 खुद, जैसे 19, 19 के फैक्टर क्या होंगे 1 और नंबर खुद, तो इसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद इटसेल्फ। कंपोजिट जो होता है, कंपोजिट नंबर हम कहते हैं जिसके मोर देन टू फैक्टर्स, यस सर,
जैसे मान लो सिक्स, तो सिक्स के अगर मैं फैक्टर करूं तो वन भी होगा, टू भी होगा, थ्री भी होगा, सिक्स भी होगा, चार यस फैक्टर, तो सर ये कंपोजिट। अब अगर मैं पूछूं नंबर वन, नंबर वन क्या होगा, प्राइम होगा या कंपोजिट होगा? कंपोजिट प्राइम आ रहा है दोनों सर, वो कुछ नहीं है सर वो। ये दोनों में से किसी की डेफिनेशन में नहीं आ रहा, यस सर ना तो इसके दो फैक्टर है ना दो से ज्यादा है, तो हम इसे कहते हैं नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक, तो ये याद रखना है, कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन में फंसाने के लिए पूछ लेते हैं। तो नंबर वन जो होता है ना तो वो प्राइम कहलाता है ना कंपोजिट, बाकी प्राइम जो होंगे उसके दो फैक्टर होंगे, कंपोजिट जिसके भी दो से ज्यादा होगा वो कंपोजिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 68 इन अ सर्टेन लैंग्वेज पायलट इज रिटन एज लिप्टो, देन हाउ मेसन विल बी रिटन इन दैट कोड? सर सैम नो ए। यस सर, SAMNO। गुड, तैयारी चल रही है नहीं कुछ? पायलट को लिखा है मेसन, मेश तो ओ सॉरी लिप्टो, पायलट को लिप्टो, लिप्टो मैसन को क्या लिखेंगे, हमें रिलेशन ढूंढनी होगी। तो देखो लेटर्स हमें वही दिख रहा है, यानी इसमें प्लस माइनस या ऐसा कुछ नहीं करना है, रीअरेंज करना है बस, रीअरेंज करना है। तो अब अगर हम इसे ऐसे बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर दें, तो ये देखो EIL हो गया LIP, LIP यानी क्या करा इसे रिवर्स कर दिया। तो हम इसे भी सेम दो पार्ट में करेंगे, तो इसको जब रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा SAM। ठीक, अब ये जो दो इधर के बचे थे OT, इन्हें भी रिवर्स कर दिया, तो ये ON हो जाएगा NO, मतलब सैम नो ऑप्शन है कहीं, हाँ जाएगा ए सर, ये ऑप्शन नंबर ए। A certain language pen is written as QDM, then how book will be written in that code? It's a coding decoding. Pen को लिखा है QDM. देखो तीन इधर है तीन उधर है और रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमें अब इंडिविजुअली रिलेशन देखना पड़ेगा क्या है, पी और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है, प्लस वन, प्लस वन E और D में प्लस वन, प्लस माइनस वन, माइनस वन डी ई, और इसमें N और M, माइनस वन, N से पहले M यानी माइनस वन, तो sir. ये रिलेशन है। अब हमें बुक लिखना था BOOK, देखो यहाँ तीन थे अब चार हो गए, तो अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसे रिलेशन बनानी है। तो देखो पहले में तो प्लस वन ही है, क्या हो जाएगा सी, हम ऑप्शन देखें तो तीन में हमें सी दिख रहा है, चलो डी तो नहीं हो सकता है नहीं। अब देखो यहाँ लास्ट का माइनस में, हम इसे माइनस वन करें तो क्या हो जाएगा, इससे पहले कौन सा आएगा सर, बी, बी किस में? नहीं नहीं इधर इधर मैं लास्ट वाले सर, वो सर इधर के के जे आएगा। जे अच्छा सर आप के देखो मैंने, हाँ मैंने क्या करा, इसमें मुझे तीन थे और तीन में डायरेक्ट दे रखी थी रिलेशन, लेकिन अब यहाँ चार कर दिए लेटर्स, तीन की जगह चार कर दिए, तो मैंने ये सोचा कि जो पहला रिलेशन है वो लगा लेता हूँ, जो आखिरी वाली रिलेशन है वो लगा लेता हूँ, बीच में ओ रिपीट हो रहा तो हो सकता है इसमें सेम रिलेशन लग जाए। नहीं वरना फिर कंफ्यूजन होता ना कि प्लस वन माइनस वन माइनस वन, तो चौथे में क्या करें फिर। यस सर, इसलिए मैंने ऐसे करके देखा, तो एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है, लेकिन श्योर श्योर होने के लिए, क्योंकि ये डिफरेंट है, मैं देखूंगा ओ की जगह इन्होंने क्या लिख दिया, यहाँ एन है ऑप्शन में, और ओ के साथ एन का क्या रिलेशन है, माइनस वन, माइनस वन, कोई इधर भी था माइनस वन, यानी कि ठीक लग रहा है, ऑप्शन क्या होगा इसका, दिस वन। ठीक, तो कभी कभी थोड़ा अपना दिमाग से लगाना पड़ेगा कि तीन में प्लस वन माइनस वन माइनस वन थी, अब ये चार हो गए तो क्या करेंगे, क्लियर ना, समझ गया, तीन लेटर थे या चार थे, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सोचना पड़ेगा वहां पे, ये ऑप्शन बन रहा है। अब देखो समर इज कोड एज रनर देन विंटर,
तो ये देखो छह लेटर छह, यहाँ भी छह, तो ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया यानी। तो समर SUMMER, समर को बना दिया रनर RUNNER, वही रिलेशन यूज करके हमें बताना है विंटर। तो देखो एस और आर में क्या रिलेशन है, -1 -1। यू देखो यू रिपीट हो गया, कोई चेंज नहीं यानी नो चेंज। एम एन सी आ सकता है, सी हाँ अभी देख लेते हैं, सी है वैसे करेक्ट। एम के बाद एम एन प्लस वन दोनों, और ये नो चेंज। ई का ई आर का आर, यानी एक तो सेकंड नो चेंज यानी आई ऐसी रहेगा और लास्ट सेकंड। तो आई ई आर तो हमें अगर देखें तो ई आर तो सब में लगा रखा है इन्होंने, देखो आई सिर्फ इसमें है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर नंबर सी। और श्योर अगर हमें श्योर होना है तब भी हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है एग्जाम में, बोर हो रहे हैं बैठे हुए, तो हम श्योर भी हो सकते हैं। तो W में से -1 करें तो V, सर। N और T बीच के दो जो थे दोनों में +1 +1, तो N के बाद आ जाएगा MNOEQRSTU, तो VIOUER exactly मैच कर रहा है, ठीक है? यस सर। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए सारे कर रहा हूँ, तुम्हें वहाँ शॉर्टकट टाइम बचाना है। यस सर। In each of the following question, arrange the word in a meaningful logical order and then select the appropriate sequence from the alternative provided below each of the group of words. ये क्या logical sequencing? पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे। Logical sequencing करनी है words की। यानी पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। ये देखो चार ऑप्शन है हमारे पास। अगर सिर्फ पहले ऑप्शन पे देखो तो तीन तो टू से शुरू हो रहे हैं, एक थ्री से हो रहा है, यानी टू, यानी पहला प्रेशर से शुरू हो रहा है। बी वाला होगा शायद 2 4 5 1 3। प्रेशर के बाद अगर हम देखें मतलब सिर्फ ऑप्शन से करने की देखें तो देखो दो जगह फोर दिख रहा है, प्रेशर के बाद रेन भी दिख रहा है। कुछ बना सीक्वेंस प्रेशर रेन, मान लो एटमॉस्फेयर या उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, उसके बाद क्या हो रहा है, रेन स्टार्ट हो जाती है, रेन के बाद क्या होगा, फ्लड, फ्लड, ज्यादा रेन हो गई तो फ्लड। तो प्रेशर हो गया, रेन हो गया, फ्लड हो गया, अब दो बचे प्रोटेक्ट या रिलीफ। पहले प्रोटेक्ट आएगा फिर रिलीफ, पहले प्रोटेक्ट, पहले लोगों को बचाने या अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर रिलीफ वर्क शुरू होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा, रिलीफ। सीक्वेंसिंग क्या बनी, प्रेशर है 2, रेन है 4, फ्लड है कहाँ गया 5, प्रोटेक्ट है 1 और रिलीफ है 3, यानी 2 4 5 1 3, 2 4 5 1 3, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सीक्वेंसिंग करेंगे यानी कोई एक इवेंट होगी उसमें पहले क्या आएगा, उसके बाद ऐसे, तो इसमें हमारे ऑप्शन बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो ऑप्शंस का ध्यान रखना। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश यूनिवर्स तिरुपति वर्ल्ड इंडिया, क्या लग रहा है लॉजिकल सीक्वेंसिंग, ऑप्शन भी देख लें सर, और ऑप्शंस दिखा तो सारे वर्ल्ड, लास्ट वाला ऑप्शन लग रहा है, रुको रुको एक सेकंड सर, एक मिनट जरा मैं सेट करूं, ऊपर नीचे पहले यूनिवर्स फिर वर्ल्ड फिर इंडिया फिर सर फिर वन आंध्र प्रदेश सर फिर त्रिपुरा, बट ऐसा तो ऑप्शन है नहीं क्योंकि वैसा सीक्वेंस बन रहा है 2 4 5 1 3 2 4 5 1 3। एक मिनट रुको, एक पैटर्न सोच लिया, गुड, इस बार उल्टा करो, सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा कौन सा होगा, हाँ सर सबसे बड़ा क्या होगा, यूनिवर्स, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था यूनिवर्स ही सबसे बड़ा होगा, अगर हम वर्ल्ड, इसमें एक ही ऑप्शन है,
यानी ये हमारा करेक्ट आंसर। यस, और हम अगर श्योर होना चाहें क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम थ्री से शुरू करेंगे। तिरुपति सबसे पहले, तिरुपति क्या है? सिटी है, सबसे छोटा। यस सर। उसके बाद वन आंध्र प्रदेश स्टेट। यस सर। देन फाइव इंडिया कंट्री, कंट्री देन वर्ल्ड, देन यूनिवर्स, वर्ल्ड और फिर यूनिवर्स। ये वर्ल्ड एक्चुअल में लिखने वाले का मतलब है अर्थ। यस सर। मतलब हिंदी में हमने कहा दुनिया, तो दुनिया को ट्रांसलेट कर दिया वर्ल्ड में, लेकिन दुनिया से मतलब है अर्थ, प्लेनेट। यस सर। एंड देन लास्ट इज यूनिवर्स, ये तो यूनिवर्स ही है। ठीक, तो पिछली क्लास में भी मैंने कहा था कि वर्ल्ड और उससे कंफ्यूज मत होना। वर्ल्ड जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं वो यूनिवर्स के लिए भी करते हैं और अर्थ के लिए करते हैं। अगर हिंदी में करते हैं हम दुनिया, तो अर्थ के लिए भी बात होती है, और कभी कभी हम पूरी दुनिया यानी उसमें सब कुछ यूनिवर्स वगैरह सब होता है। तो ये जो सेंस होता है क्वेश्चन में लिखने का, वहाँ वर्ल्ड से मतलब होता है अर्थ, प्लेनेट अर्थ की बात हो रही है। और यूनिवर्सल जो होता है ये ओवरऑल सबसे बड़ी यूनिट जो है वो यूनिवर्स। तो जरूरी नहीं कि हम स्टार्टिंग से देखें, हम रिवर्स ऑर्डर में भी दिमाग लगा सकते हैं। यस सर। नाउ कंसल्टेशन, इलनेस, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, रिकवरी। देखो इस बार रिकवरी तो सबसे बाद में होगी, तो रिकवरी ये देखो तीन ऑप्शन में फाइव सबसे लास्ट है, तो ये वाली ट्रिक नहीं चलेगी। हाँ डी जरूर हटा सकते हैं। अब ऑप्शन टू थ्री देखो दो जगह दिख रहा है। टू थ्री यानी अगर हम देखें इलनेस सबसे पहले क्या होगा? इलनेस होगा। इलनेस के बाद क्या होगा? डॉक्टर के पास जाएंगे हम, कंसल्टेशन। डॉक्टर क्या करेगा? कंसल्ट करेगा, फिर ट्रीट करेगा, तो बाद वो ट्रीटमेंट बताएगा, एंड देन रिकवरी। और अच्छा डॉक्टर होगा तो रिकवरी हो जाएगी। यस सर। वरना फिर वापस डॉक्टर, फिर कंसल्टेशन, फिर ट्रीटमेंट। ठीक है, ये लॉजिकल ऑर्डर है। क्या कह रहा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज बीन गिवन फॉलोड बाय फोर अदर वर्ड, वन ऑफ व्हिच कैन नॉट बी फाउंड। यानी ये कुछ थोड़ा अलग करने की कोशिश है। व्हिच कैन नॉट बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। यानी कि तीन, ये एक वर्ड दिया लर्नर, लर्नर के अगर हम लेटर्स लेके वर्ड बनाने की कोशिश करें तो तीन वर्ड्स तो बन जाएंगे, एक कोई ऐसा होगा जो नहीं बनेगा। Find that word. उस word को find करना। Neat. Sir, yes, neat. Question clear है? पहले सब C option. Yes. Yes, sir. Question clear है. Question अगर आपको clear है, मतलब आधा question आपने solve कर लिया या नहीं? Yes, sir. तीन नहीं है learner में तो नहीं। Cannot be formed. यानी इसमें से हम letter लेके बनाएंगे, तो हमें ऐसा ढूंढना है जिसमें कोई letter ऐसा होगा जो इसमें नहीं होगा, learner के अंदर नहीं होगा। इसको देखने का तरीका ये होता है कि हम R E A L देखें, तो R E A L हमें दिख रहा है, R E L इसमें भी दिख रहा है, E A R N भी दिख रहा है, लेकिन नीट में ये जो T आया लेटर, yes, sir. ये T नहीं है इसमें, तो यानी ऑल्ड वन इसमें क्या है, या वर्ड जो कि नहीं बन सकता वो है नीट। यस सर। अब ये 75-76 और करो। फराज यस सर, आई थॉट द क्लास वाज स्टार्टिंग एट 12 टुडे, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग लेट, आई रियलाइज्ड। कोई नहीं, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, पुराने प्रीवियस ईयर पेपर जामिया के रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो सब करना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज जो हमने शुरू किया है एमबीए, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आज है बीए पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी। इसका कॉमन पेपर होता था 2017 का, हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है, सर रिपीट हो सकते हैं लेटर्स या सर रिपीट नहीं हो सकते? हाँ रिपीट हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब बन रहे हैं, बस नेशनल में कुछ लेटर्स सर ए, बस ए में लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, बाकी सब बन रहे हैं एजुकेशनल से।
नहीं तो सब बनेंगे, एक नहीं बनेगा वही तो फाइंड करना है। नहीं सारे बन रहे हैं बट ए वाले में ना एन दो आ रहे हैं बट एजुकेशनल में एन एक ही है। अच्छा 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 मतलब तुम ये पूछ रहे हो रिपीट जो हो सकते हैं। हाँ, नहीं, हाँ, नहीं नहीं हाँ इसमें याद रखना रिपीट नहीं, मतलब रिपीट से मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में दो बार ई है मतलब इस वर्ड के अंदर तो आंसर में भी दो बार ई हो सकता है लेकिन तीसरी बार नहीं होगा। हाँ सर फिर तो ए वाला होगा इसका। अच्छा देखो लर्नर लर्नर पे हम आते हैं, लर्नर में दो ई थे, ये वाले ऑप्शन में देखो दो ई यूज हुए मतलब ई हमने रिपीट किए तो यहाँ भी रिपीट था तो रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें सिर्फ एक ही होगा तो फिर ये गलत हो जाता, यानी जितने टाइम आया है उतने टाइम तो यूज कर सकते हैं हम, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। कौन सा नहीं बन रहा? ए ए यस सर एन दो है इसमें। देखो एन दो है इसमें एक ही एन है, ये वर्ड नहीं बन सकता तो ये हमारे लिए यही फाइंड करना था। परमानेंट तो सी मेंटोर सलमान सर। हाँ फराज What about MBA also? Will you do MBA papers? हाँ हाँ अभी हम जिसका रीजनिंग सबसे इजी था वहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है लेवल बढ़ता चला जाएगा इसका। वीडियो गेम में होता है ना फराज लेवल बढ़ते जाते हैं। नहीं इसके बाद देखो नहीं इसका इसका एक रीजन है फराज, ये जो लोग बीए का एग्जाम दे रहे हैं ना उसमें जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो उतना नहीं आता या बहुत ही कम आता है, जो तुम्हारे एमबीए में होगा उसका लेवल बहुत हाई होता है, तो इन सबको जब हम कवर कर लेंगे तो फिर इनके लिए हम ऑप्शनल कर देंगे कि ये एमबीए की क्लास ले या ना ले, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल फिर ज्यादा होगा। ठीक है तुम्हारे लिए तो रीजनिंग सब में सब चीजें आती है तो तुम्हें तो सब चीजें कवर करनी है, इसमें जल्दी करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में और सर रेगुलर क्लास कर ले हम, ठीक है डेली। आप परमानेंट मेंटोर सर मेंटोर मेंटोर क्योंकि ओ नहीं था। यस सर। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी के हिसाब से हमें ऑर्डरिंग करनी है। तो पहला लेटर देखेंगे हम तो सारे जेड है तो कोई बात नहीं, सेकंड पे आ जाते हैं ई ओ ओ ई आई, तो ई वाला पहले आएगा, ई के भी दो हैं तो ई के बाद नेक्स्ट लेटर पे जाते हैं पी और एन, पी और एन में कौन पहले आएगा? एन। तो हमें क्या दिखा? फोर्थ, तो सिर्फ फोर्थ। अच्छा दो जगह है अभी भी फोर्थ, तो हमें पहला पता चल गया फोर्थ है जेनिथ, पहला वर्ड जो आएगा डिक्शनरी में वो होगा जेनिथ। यस सर। तो फर्स्ट होगा फर्स्ट वाला, अब दोनों में ई था तो ये क्या हो जाएगा दूसरा? यस सर ऑप्शन सी हो जाएगा, देखेंगे कि पहले दो जो होंगे फोर और वन। यस सर ऑप्शन सी। ठीक सी ऑप्शन सही फराज ने बताया, ठीक है। जेन्युइन जीनियस जेंडर जेंटल जनरल, पहला हम लेटर देखें जी जी जी, सेकंड देखें ई, थर्ड देखें एन एन एन, वेरी गुड तीन तो सेम हो गए। अब फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ पे देखो उससे पता चलेगा, फोर्थ है यू, इधर है ई देन डी, चलो हाईलाइट करता हुआ चलता हूँ मैं, यू इधर है ई इधर है डी इधर है टी इधर है ई, यानी कौन सा आ गया डी, सबसे पहले डी आएगा यानी जेंडर यानी थर्ड, वन टू था थ्री था फोर था फाइव था, तो सबसे पहले आएगा ये सर ऑप्शन सी, एक ही ऑप्शन है इसमें तो यानी एक ही ऑप्शन से हमारा काम हो गया। ठीक है डिक्शनरी वाले भी है ठीक है, क्वेश्चन फराज का भी सही आंसर 79-80, ये लास्ट दो क्वेश्चन है इस पेपर के रीजनिंग के, ये है ब्लड रिलेशन, एल इज द फादर ऑफ एन एंड पी, पी इज द सन ऑफ एल, बट एन इज बट एन, ओ दो बार रिपीट हो गया, ये नहीं है इसमें। ठीक है
P is the son of L, but N is not the son of L. How is N related to L? ब्लड रिलेशन में हमें पता था सबसे पहले हम क्या लिखा है, एल इज फादर ऑफ एन एंड पी, तो एन और पी नीचे आएंगे, एल इसके ऊपर आएगा क्योंकि एक जनरेशन ऊपर है, ये इन दोनों का क्या है फादर, सर डॉटर हो सकता है, देख लेते हैं। चलो अभी फादर यानी द प्लस, देखो मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तुम्हें तो जल्दी से जल्दी वहां निकालना है। डॉटर तुमने बताया, अब देखते हैं हम। P is the son of L, तो P भी male हो गया, but N is not a son of L, ये son नहीं है, यानी ये क्या हो सकता है ऑप्शन, फीमेल। यस सर। N related to L, तो देखो related का भी थोड़ा समझ लो क्योंकि लिखने में कई बार गड़बड़ हो जाती है। N related to L, यानी एन हमारा रेफरेंस है, तो अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, एन इज द डॉटर ऑफ एल, डॉटर ऑफ एल, तो रिलेशन आएगी डॉटर। यस सर। अगर एल रिलेटेड टू एन पूछता तो फादर होता, हाँ तो फिर एल इज फादर ऑफ, तो ऐसे याद रखना है, ये रेफरेंस लेना है और इसको अगर सेंटेंस पूरा करेंगे तो ये जो रिलेशन आएगी ये हमारा आंसर होगा। तो अगर एन को एल से रिलेट पूछा तो पहले एन लिख के आंसर निकालने की कोशिश करो, एल का एन से रिलेशन पूछा तो पहले एल लिखो फिर देखो क्या रिलेशन। नेक्स्ट है, शोइंग अ फोटोग्राफ टू अ फ्रेंड रवि सेज शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर, हाउ इज दिस गर्ल रिलेटेड टू रवि, बताओ जी, ब्लड रिलेशन पर है ये भी। देखो इसमें हमेशा हमें फाइंड करना होता है माई, माई कहां पर यूज हुआ, जो तुम डायग्राम बनाना शुरू करोगे उसमें माई से शुरू करोगे, कौन कह रहा है रवि और माई, यानी सबसे नीचे हम लेंगे रवि, माई फादर यानी रवि का फादर, तो रवीज फादर, ठीक सर। नीस आ सकता है, ए आ सकता है, हाँ तो ए बी सी डी में से कोई सा भी सकता है इसमें, सही है, नीस ही है शायद इसका आंसर, रवीज फादर। अब हम क्या करेंगे, एक प्लस लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि ये जो रिलेशन बता रहे हैं ये मेल है कोई। अब देखो इसमें उल्टा चलेंगे, जहां भी माई आ जाए तो मैं वहां से स्टार्ट करना है, ये जो हम इसका अगर तुम वीडियोस देखोगे हमारे पुराने जो पढ़े होंगे यूट्यूब पर ब्लड रिलेशन में, तो ऐसे ही शुरू किया था, माई से शुरू किया था, माई फादर यानी रवि का फादर। अब देखो क्या दिया है, एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर यानी फादर का ब्रदर, तो जब सेम जनरेशन है तो हम लेफ्ट राइट यूज करते हैं, एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर कौन हो जाएगा रवि का, अंकल, फादर का एल्डर ब्रदर, रवि का क्या हो गया अंकल, ठीक, तो अंकल भी प्लस। अब क्या दिया है, एल्डर ब्रदर के बाद ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर यानी इस अंकल की ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर के लिए हमें दो जनरेशन नीचे जाना होगा, यानी इस रवि वाली जनरेशन से भी एक नीचे और, तो ये अंकल की ग्रैंड डॉटर, तो अंकल की ग्रैंड डॉटर ये जो लेडी है इससे रिलेशन पूछा है, हाउ इज दिस गर्ल रिलेटेड टू रवि, यानी गर्ल जो है उसको हम क्या कहेंगे, तो क्या आंसर होगा, देखो ये एक जनरेशन से नीचे, यस सर, यानी गर्ल इज अ नीस ऑफ नीस, देखो सिस्टर नहीं हो सकता था, आंट भी नहीं हो सकता था, सिस्टर इन लॉ भी नहीं हो सकता था, ठीक है। तो ये तो मेरे डायग्राम बनाने के लिए तुम्हें दिखाया, अगर तुम्हें लैंग्वेज पढ़ के, जैसे फराज ये पूछ रहे हैं कि हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि फादर के ब्रदर यानी अंकल की ग्रैंड डॉटर है, तो डायरेक्ट आंसर हो सकता था नीस, तो वो भी कर सकते हो, ये तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए पूरा समझाया, वहां तो तुम्हें जितना शॉर्टकट जितना कम टाइम में कर सकते हो उतना तुम्हें करना है, तो हम इसमें देख सकते थे कि ये देखो आंट जो है, सिस्टर जो है, सिस्टर इन लॉ जो है, आज सिस्टर सिस्टर इन लॉ एक ही जनरेशन के हैं,
आर्ट एक जनरेशन ऊपर का है, लेकिन नीस के लिए एक जनरेशन नीचे है, तो एक ही ऑप्शन था ऐसा। यस सर। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा 2017 का पेपर। अब हम करते हैं 2018। ये रीजनिंग थोड़ी इजी है, इसलिए हम आराम से जल्दी जल्दी करते चले जा रहे हैं। सर, नीस को कुछ लोग नाइसी भी बोलते हैं, क्या सही है? होता है वैसे तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, भांजी मतलब। नाइसी सही है? नहीं, नाइसी सही नहीं है, नीसी सही वर्ड। क्वेश्चन नंबर 41 से यहाँ शुरू हुआ, 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें भी रीजनिंग के। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू कर रहे हैं 2018 में भी बीए पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, इन सबका एक ही पेपर था। 2019 से अलग हो गया है, ये तीन ग्रुप अलग होते हैं और पॉलिटिकल साइंस और आर्ट्स का एक अलग ग्रुप आता है। सर, आप अगर पेपर्स अलग हो गए ना पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी में, उनमें डिफरेंस क्या होगी? डिफरेंस पैटर्न तो सेम ही है, लेकिन पिछले साल जो 2019 पॉलिटिकल साइंस का आया था उसमें मैथमेटिक्स वाला पार्ट बहुत ज्यादा दे दिया था, सोशियोलॉजी में कम था। ओके सर। पॉलिटिकल साइंस यानी जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, नेता बनना चाहते हैं, तो वो थोड़ा पढ़ लें शुरू में, इसलिए उन्होंने मुश्किल क्वेश्चन दिए थे। हम नेक्स्ट क्लास में 2019 डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। ठीक है? ओके सर। तो इसमें देखते हैं हम, फाइंड द स्टेटमेंट दैट मस्ट बी ट्रू। अब देखो, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन जो अजम्पशन वाला पढ़ा था ना, उसमें कोई टाइप है। फाइंड द स्टेटमेंट दैट मस्ट बी ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन में जो दिया है सिर्फ हमें वही यूज करना है। ठीक, और उसके अकॉर्डिंग बताना है कि इनमें से ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। देखो, कुछ चीजें तुम्हारी जनरल नॉलेज में तुम्हें पता होंगी कि अच्छा ऐसा तो सही होगा, लेकिन तुम्हें जनरल नॉलेज वगैरह कुछ नहीं लगानी, जो हमने डिस्कस किया था यहाँ, जनरल अपनी नॉलेज अवेयरनेस कुछ भी यूज नहीं करना है, लॉजिक कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, और कॉमन सेंस की, अच्छा ये तो कॉमन सेंस की बात है, हमें सिर्फ वही यूज करना है जो स्टेटमेंट में गिवन, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। रमेश हैज अ पेपर रूट, मतलब रमेश पेपर बांटता है, न्यूज़पेपर उसका एक रूट है अपना। ईच मॉर्निंग ही डिलीवर्स 37 न्यूज़पेपर्स टू कस्टमर इन हिज नेबरहुड। कितने? 37 न्यूज़पेपर वो देता है। ठीक है। Yes, sir. It takes रमेश 50 minutes to deliver all the papers. रमेश को 50 मिनट लग जाते हैं डिलीवर करने पे। If रमेश is sick or has other plans, his friend सुरेश, देखो पहला रमेश था ये सुरेश, who lives in the same street will sometime deliver the papers for him. तो वो अपने दोस्त से कहता है, सुरेश से, कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा या मैं बीमार हूँ या कुछ और प्लान है, तो तुम बांट दो, तो वो बांट देता है उसकी जगह। क्लियर यहाँ तक स्टेटमेंट? यस सर। आंसर भी आने लगे, 41B फराज। चलो देखते हैं अभी, अब देखते हैं स्टेटमेंट। रमेश एंड सुरेश लिव इन द सेम नेबरहुड। बी, इट टेक्स सुरेश मोर देन 50 मिनट्स टू डिलीवर द न्यूज़पेपर। It is dark outside when Ramesh begin his deliveries. Suresh would like to have his own paper route. क्या आंसर होगा? पढ़ लो आराम से, आराम से। रमेश और सुरेश live in the same neighborhood. चलो, सना ने ये कहा, और लोग पढ़ो इसे, क्वेश्चन समझो और बताओ क्या होगा। देखो, मेरे हिसाब से तो चारों सही लग रहे हैं मुझे तो। भाई सुरेश जो होगा वो अपने रूट से जाएगा, जरूरी नहीं कि वो जो रमेश है उसी पे चले। डार्क आउटसाइड, न्यूज़पेपर नॉर्मली बहुत सुबह बांटने शुरू करते हैं तो डार्क होगा, और क्योंकि रमेश 50 मिनट्स में करता है डिलीवर, तो सुरेश कोई और जाएगा उसकी जगह, तो जाहिर सी बात है उसे ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ये तीनों
इस पैसेज में कहीं नहीं लिखा है कि ऐसा कुछ होता है. यस सर. यानी सुरेश को हो सकता है 50 मिनट से ज्यादा लगे, हो सकता है कम भी लगे, हो सकता है वो और तेज हो बांटने में, या फिर वो उसी रूट से जाता हो, या फिर वो डार्क नहीं हो, वो जब दिन निकलता हो तब जाए, ऐसा भी होता. तो हम 100% इंफॉर्मेशन इस पैसेज से लेके नहीं बता सकते इन तीनों को. हम सिर्फ एक चीज बता सकते थे, देखो वो लिव्स ऑन द सेम स्ट्रीट. ये है वो इंफॉर्मेशन जिसके बेस पे तुम कह सकते हो कि ऑप्शन ए इज ट्रू. ठीक. तो ये जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, लॉजिक, कॉमन सेंस कुछ भी यूज नहीं करना है इनमें. ठीक. स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन पढ़नी और उसके हिसाब से बताना है ट्रू. तभी देखो लाइन में, पहले लाइन यही है क्वेश्चन में, फाइंड अ स्टेटमेंट दैट मस्ट बी ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन. According to the given information. सिर्फ information इसी में से pick करनी है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना. जबकि logically, common sense हर हिसाब से लग रहा हो कि ये तो ठीक होगा, लेकिन अगर passage में नहीं है तो आपको use नहीं करना. ठीक. Next देखते हैं. 10 new television shows appeared during the month of September. 10 new TV shows आए TV पर in the month of September. 5 of the shows were sitcoms, 3 were hour long dramas and 2 were news magazines shows. ठीक है, 10 में से उसने कैटेगरी दे दी. और by January only 7 of these new shows were still on the air. यानी सिर्फ 7 कंटिन्यू रहे, 3 क्या हो गए, बंद हो गए. 5 of the shows that remained were sitcoms. जो 7 shows on air रहे, उनमें से 5 क्या थे? Sitcoms. ये information है. ये जो information है, बस यही use करना है. इसके अलावा अपनी तरफ से कुछ भी use नहीं करना. अब बताना है कि इनमें से कौन सा true होगा. बताओ सोच के. देखो सब कुछ पैसेज में दिया होता है, बस दिमाग को उस तरीके से ट्रेन कर लो कि जो पैसेज में दिया है बस वही तुम्हें बताना है. क्या लग रहा है देखो पढ़ के. ओनली वन ऑफ द न्यूज मैगजीन शोज रिमेन्ड ऑन द एयर. हाँ बताओ सर. डी ऑप्शन. डी ऑप्शन. और कोई? ईशान, आफ्ताब, मुबशिर, फराज. फराज ने आंसर भेजा क्या? फराज ने डी, आफ्ताब ने भी डी, सना ने भी डी. 3 तो डी हो गए भाई. शान, शान भी डी, अब डी. और कौन रह गया? मुबशिर. मुबशिर तो सॉल्व करके रख लेते हैं क्वेश्चन. मुबशिर आंसर बताओ. डी. अरे सबके सब ने डी बता दिया. वेरी गुड. तो डी ऑप्शन है गलत. अब बताओ सेकंड चॉइस बताओ. फर्स्ट तो गलत हो गई. देखो ये जो चीज तुमने लिखी, ये पैसेज में कहीं लिखा है कि टेलीविजन व्यूअर उसे प्रेफर करते? ऐसा तो कुछ पैसेज में दिया है या नहीं? सिर्फ आंसर यस या नो नहीं दिया. ये तुमने अपनी तरफ से एक वो निकाला assumption कि अगर ऐसा है कि 5 के 5 कंटिन्यू रहे तो उसे प्रेफर करते हैं. यस सर, वही सोचा. लेकिन पैसेज में नहीं है. इसमें कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो पैसेज में तुम्हें गिवन है. देखो इधर मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन. इसे क्वेश्चन नंबर 42. 10 शोज थे, 10 टीवी शोज. 5 क्या थे? सिटकॉम्स, सिचुएशनल कॉमेडी शोज हैं ये, सिटकॉम्स थे 5. 3 वर ड्रामास शो और 2 न्यूज शोज. 3 बंद हो गए, बचे कितने? 7. 7 में से 5 तो सिटकॉम्स हैं. ठीक. अब क्या बचे? 2. 2 क्या हो सकते हैं?
या तो दोनों न्यूज होंगे या दोनों ड्रामा होंगे या एक न्यूज होगा और एक ड्रामा होगा, ये तीन ऑप्शन मिलेंगे हमें। या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या फिर हो सकता है। अब देखो ओनली वन ऑफ द मैगजीन शो रिमेंड, नहीं पता हमें कि दोनों ड्रामे हो तो ये बंद हो जाएगा। ओनली वन ऑफ द रिमेंड, ये भी नहीं बता सकते हम श्योरिटी के साथ। फिर से एट लीस्ट वन ऑफ द शोज दैट वाज कैंसल्ड वाज इन आवर लॉन्ग ड्रामा, क्योंकि आवर लॉन्ग ड्रामा कितने थे देखो, तीन। अब टोटल शोज ही कितने बच रहे हैं, दो। तो अगर दोनों ये ड्रामा भी होते हैं तब भी एटलीस्ट एक तो बंद हुआ होगा, कैंसिल होगा। तो यानी ऑप्शन सी सिर्फ अकेला ऑप्शन है जिसे हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि हाँ ये तो ट्रू है ही। यस सर। क्लियर हुआ ये? यस सर। ये थोड़ा सोचने वाला है, सिर्फ जो पैसेज में दिया है उसे ही उठा के तुम्हें यूज कर लेना है। चलो जी, खतरनाक क्वेश्चन खत्म हुए, अब इजी शुरू हो गए। लुक एट दिस सीरीज, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? बी 1/8। जरूरी है इसका आंसर भी पूछना कोई? सबसे सिंपल है तो बिल्कुल ही। सर डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड बाय 2 करते चले जा रहे हैं। उसके बाद 1, 1 के बाद हाफ, हाफ के बाद 1/4 और फिर हो जाएगा 1/8। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। ये एक्चुअल में टाइप होने में गड़बड़ हो गई, ये एसएसटी सीरीज 7, 8, 11, 9, 12। व्हाट नंबर कम नेक्स्ट? सर बी 10। और बताओ कोई क्या लग रहा है? नहीं, 13 नहीं है। हाँ अब सही बताया फराज ने, 10। आफ्ताब ने भी 10। चलो भाई सब 10 बता रहे हैं तो 10 ही होना चाहिए। यानी देखो इसमें दो सीरीज चल रही है, एक ऐसे है ऐसे और इसके बाद वाले टर्म ही आएगा, एक सीरीज इस तरीके से है तो इसके बाद वाला टर्म इधर आता, तो ये तो पूछा नहीं है तो हमें इस सीरीज में तो कोई जरूरत नहीं। प्लस वन था, इसे हम देखें तो प्लस वन करना है। 8 के बाद 9 आया तो 9 के बाद प्लस वन क्या हो जाएगा? 10। यानी ऑप्शन नंबर बी। लुक एट दिस सीरीज, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? देखें यहाँ पर क्या पैटर्न दिख रहा है हमें, तो पहले 3, 4 है, 5, 6 दो अलग अलग है, 7, 8, 9, 10 नहीं है, 11, 12 है, फिर 13, 14 है, फिर 15, 16 है। सर दो नंबर छोड़ के। अच्छा ऐसे भी कह सकते हैं, सही सोचा तुमने। सना ने देखो क्या बताया, सना ने कहा कि 3, 4 है, बीच में से 5, 6 छोड़ दिया तो फिर 7, 8 आ गया, फिर 9, 10 छोड़ दिया तो 11, 12 आ गया, तो फिर 13, 14 छोड़ेंगे तो 15, 16। चलो इसको देखो ऐसे भी कर सकते थे, अगर देखें वही चीज की अलग अलग इसमें हम देखें कि 3 के बाद 7 फिर 11 और फिर ये वाला टर्म 4, 8 और 12 ऐसे। तो देखो इस तरीके से भी वही आंसर आएगा और वही सीरीज बन रही है जो कि सना ने बताया, इसको भी हम देखें तब भी वही आएगा, यानी आंसर क्या आएगा 50। ठीक। यस सर। फिल इन द ब्लैंक्स इन मिडिल ऑफ द सीरीज और एंड ऑफ द सीरीज। एंड ऑफ द सीरीज पे बहुत क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार जरूर वीडियो देख लेना, उस वीडियो में हमने ये तीनों चीजें एक साथ कवर की थी याद हो तो। पोर्शन कम क्यों आ रहा है इतना? नेक्स्ट पेपर में आएगा। अच्छा सर। ऑड वन आउट सीरीज वाला था, व्हाट कम नेक्स्ट
और एक तीसरा टॉपिक था सिमिलरिटी ऑफ पेयर्स। तो जामिया के ये जो पेपर्स हैं, मतलब हर पेपर में ही तुम्हें इससे अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब 5-6 क्वेश्चन तो कम से कम आ ही जाते हैं। तो एक बार जरूर वो वीडियो देख लेना, हमने बहुत टॉपिक कवर किए थे इसके। ठीक है चलो करते हैं मिडिल इन द सीरीज एससीडी। तो देखो लेटर है, अगर हम सीरीज देखें तो एस और डी यू एक कुछ आएगा उसके बाद डब्ल्यू, तो 1-1 दिख रहा है हमें एस टी यू वी, तो पहला होना चाहिए वी, तो हमें दिखा एक ही वी है यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, तो देखो सी के बाद ई, ई के बाद जी, यानी यहाँ कितने का गैप है 2, सी डी ई ई एफ जी, तो एच आई यानी आई आएगा और उसके बाद जे के, तो ये प्लस 2 वाली सीरीज से हमें मिल रहा है बीच में आई। लास्ट देखें तो डी एफ, डी के बाद एफ, एफ के बाद एच, एच के बाद कुछ आएगा और फिर एल, तो क्या पैटर्न है डी ई एफ, यानी ये भी प्लस 2, दिस वन क्या बन रहा है वी आई जे। 47 बताओ जरा, देखें 47 का आंसर तो नहीं मिलेगा किसी ने, इसका ऑप्शन डी होगा जे ए आई। अरे फराज को 47 48 सब सॉल्व कर दिया भाई, पढ़ाई चल रही फराज आजकल लगता है बढ़िया। चलो 47 ए, ए बताया फराज ने, और कौन क्या बता रहा है, बी होना चाहिए शायद सर, मेरा ए आ रहा है, ये आ रहा है 47 का, यस सर। दो लोगों का तो ये आ गया, आफताब मुबशिर सर ए मेरा भी आ रहा है ए, अच्छा चलो जी सबका ये आ रहा है, देखते हैं। देखो सबसे पहला अगर हम सीरीज में देखें तो मिडिल में तो ए देख रहा है पहली चीज, तो जो भी मिडिल वाला लेटर है उसमें तो ए होगा, अगर हम ऑप्शन देखें तो चारों ने ए दे दिया पहले ही, चलो तो ये तो हमारा फेल हो गया। अब हम देखें नेक्स्ट एफ जी एच आई, अगर हम ऐसे बनाते हैं कि एच आई तो यहाँ आ जाएगा जे, ठीक प्लस 1 कर दिया हमने एक एक लेटर, तो आई के बाद क्या आ गया जे। लेकिन अब ये जो लास्ट है इसमें क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है पैटर्न, एफ जी इससे पहले का आ गया माइनस 1 और फिर एफ जी एच आई प्लस 3, एच आई फिर माइनस, हो सकता है नेक्स्ट प्लस 3 बन जाए एच आई ए के, यार है प्लस 3 यानी जे ए के, नंबर ए आ रहा है सर। मैंने तो ऐसे किया, मैंने सेंटर में हर जगह ए रखा फिर सर फॉलो किया एफ जी एच आई जे के, सर मैंने ऐसे फॉलो किया पहले एफ जी लिखा और जी एफ लिखा फिर एच आई लिखा फिर आई एच लिखा फिर जे के लिखा सर, पैटर्न ठीक है समझ गया बिल्कुल। देखो एक पैटर्न इस तरीके से बन रहा था, दूसरा देखो पैटर्न ये था कि पहला एफ ए जी है तो दूसरा इसको देखो उल्टा कर दिया, यस सर जी एफ, इसका रिवर्स है आपस में चेंज हो गए, यस सर, फिर एच आई एच ए आई आया इसको कर दिया आई ए एच, यस सर रिवर्स। अब उसके बाद जो दो लेटर्स आ रहे हैं देखो एफ जे के जे ए के और इसकी जो सीरीज होगी वो होगी के ए जे, ये वाला है जे के, इस तरीके से भी यही आएगा और इस सीरीज को पैटर्न फॉलो करोगे अगला तब भी यही आंसर आएगा। तो ये तुम्हारे सोहत की क्या दिमाग में आ रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, आंसर दोनों सही आ रहे हैं बिल्कुल दोनों तरीके से। नेक्स्ट करते हैं हम ई एल एफ ए जी एल एच ए आई एल जे ए एम एल एन ए, क्या बनेगा, तो देखो चार चार वही फॉलो करते हैं जी
एफ जी एच आई जे के, यानी के दिख रहा है यहाँ पे, के एल एम, तो ये तो प्लस टू के हिसाब से पहले लेटर के लिए मैंने लिखा तो के आ गया। तो देखो ये दो ऑप्शन तो गए, बी और डी बचे। लास्ट में मैं देखूं तो ए है, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में भी ए है, तो उससे कोई हेल्प नहीं मिल रही। अब बीच के दो हैं, इन्हीं से डिफाइन होगा कि क्या आएगा। तो देखो ये सेकंड लेटर अगर मैं देखूं, एल एल एल, सब में एल कॉमन है, यानी सेकंड लेटर क्या होना चाहिए, एल। तो कौन सा ऑप्शन हो गया ये, देखो इसमें एल और ए कॉमन थे, दो लेटर सेम थे, और जो ये दो लेटर हुए ये चेंज हुए। ये अगर देखे तो कंटिन्यूअस भी दिख रहा है हमें, अगर ई एफ है, जी एच है, आई जे है, तो के एल होना चाहिए उस हिसाब से। तो सर एक सर मेरा आंसर के एल एल ए आ रहा है सर, क्योंकि ठीक है समझ गया। ये क्वेश्चन एक्चुअल में टाइप करने में गड़बड़ हो गई, इसका के एल एल ए था ऑप्शन, जो ओरिजिनल पेपर है उसमें से यही था, जो टाइप किया है ना जिसने बनाया, तो वो गड़बड़ कर यस सर यही आएगा। देखो तो हम इंडिविजुअली ऐसे भी एक एक लेके भी पैटर्न बना सकते हैं, तब भी हमें यही मिलेगा। ये दो सेम थे एल और ए, तो इनकी तो कोई बात ही नहीं है, ये तो फिक्स थे। अगर हम इसे देखें, देखो एफ जी एच एच आई जे, यानी क्या पैटर्न हो रहा है, प्लस टू, तो जे के बाद के एल, क्या आएगा एल। तो एक एक इंडिविजुअल में प्लस टू करेंगे पैटर्न बना के, तब भी यही आएगा। और अगर हम ये देखते हैं कि एल और ए तो हमें सेम दिख रहा है, लेकिन ई एफ है, जी एच है, आई जे है, के एल होगा और एम एल, तब भी होगा के एल एल ए। ठीक yes, sir. चलो जी, 49, तानिया इज ओल्डर देन एरिक, क्लिफ इज ओल्डर देन तानिया, एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ, इफ फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये दोनों ट्रू है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू फॉल्स अनसर्टेन नन ऑफ दिस। अनसर्टेन मतलब इन दोनों की इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे हम ये बता सकते हैं या नहीं, ये है क्वेश्चन। फॉल्स है शायद, देखो अगर बता सकते हैं तो दो कैटेगरी होगी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, नहीं बता पाएंगे तो अनसर्टेन है। बता सकते हैं सर, फॉल्स है। एक मिनट, लेकिन नन ऑफ द अबव का क्या मतलब होगा, तीन ऑप्शन हो सकते हैं। चलो वो चार आते हैं तो फिल करने के लिए लास्ट दे दिया नन ऑफ द अबव। इसमें तीन ही ऑप्शन होंगे, या तो ट्रू होगा स्टेटमेंट, या फॉल्स होगा, या अनसर्टेन, यानी हम श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। तो हम देखते हैं तानिया इज ओल्डर देन एरिक, यानी तानिया जो है वो बड़ी है एरिक से। क्लिफ इज ओल्डर देन तानिया, क्लिफ जो है वो तानिया से भी बड़ा है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, क्लिफ तानिया और एरिक के बीच में ये रिलेशन है, डायरेक्ट बन रहा है तानिया ओल्डर देन एरिक एंड क्लिफ ओल्डर देन तानिया, तो ये ऑर्डर हो गया। अब क्या कह रहा है, Eric is older than Cliff. Eric is older than Cliff. No. False. तो पहले दोनों स्टेटमेंट के इंफॉर्मेशन के बेस पर हम कह सकते हैं थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक, सिंपल था ये। 50. All the trees in the park are flowering trees. यानी जितने भी ट्रीज लगे हुए हैं वो सब क्या कर रहे हैं, फ्लावरिंग कर रहे हैं, फ्लावर में निकला हुआ है ट्रीज में, ट्रीज इन द पार्क। सम ऑफ द ट्रीज इन द पार्क आर डॉगवुड्स, तो जितने भी ट्रीज लगे हुए उसमें से क्या है, कुछ डॉगवुड्स हैं। डॉगवुड्स, ऑल डॉगवुड्स इन द पार्क आर फ्लावरिंग ट्रीज। तो इस स्टेटमेंट, इन दोनों के स्टेटमेंट पे हम ये कह सकते हैं या नहीं, ये देखना। ट्रू, देखो ऑल द ट्रीज इन द पार्क आर फ्लावरिंग ट्रीज। ये पार्क है, मान लो ये पार्क है, इसके अंदर कई सारे ट्रीज है, लेकिन वो कह रहा है ये सारे ट्रीज क्या है, फ्लावरिंग कर रहे हैं, सब क्या है, सब पे फ्लावर्स आ रहे हैं।
सारे ट्रीज। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, सम ऑफ द ट्रीज इन द पार्क आर डॉगवुड्स, कुछ ट्रीज यानी इनमें से कुछ ट्रीज क्या है, डॉगवुड ट्रीज है। मान लो ये दो, ये तीन ट्रीज है, ठीक। यस सर। तो ऑल डॉगवुड्स इन द पार्क, इन डॉगवुड की बात हो रही है, डॉगवुड ट्रीज की जो पार्क में है, आर फ्लावरिंग ट्रीज। यस सर, ट्रू होगा ना, ट्रू होगा। देखो क्योंकि पहली स्टेटमेंट में उसने कह दिया है कि जितने भी ट्रीज हैं पार्क में वो सब क्या कर रहे हैं, फ्लावरिंग, उन सब के फ्लावर आ रहे हैं। यस सर। पार्क में कोई सा भी ट्री हो, चाहे डॉगवुड हो या कोई भी ट्री होगा, अगर इन द पार्क लिखा है तो वो क्या होगा, फ्लावरिंग। इसमें हम कह सकते हैं कि पहले दोनों स्टेटमेंट के बेस पे थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ऑल द ऑफिसेज आर ऑन द नाइन्थ फ्लोर, हैव वॉल टू वॉल कार्पेट। ऑल द ऑफिसेज, सारे ऑफिस जो कि नाइन्थ फ्लोर पे है, वॉल टू वॉल कार्पेटिंग है उस पर। नो वॉल टू वॉल कार्पेटिंग इज पिंक, किसी भी कार्पेटिंग का पिंक कलर जो है वो पिंक नहीं है। नन ऑफ द ऑफिसेज ऑन द नाइन्थ फ्लोर है पिंक वॉल टू वॉल कार्पेटिंग। ट्रू, ट्रू, ये तो सिंपल। यस सर। यस सर, ट्रू। ऑफिसेज इन, सारे ऑफिसेज पे वॉल टू वॉल है कार्पेटिंग, और सेकंड स्टेट में कह दिया कि वॉल टू वॉल कार्पेटिंग का पिंक कलर नहीं है, फिर नाइन्थ फ्लोर पे पिंक कलर नहीं होगा। नन यानी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। 52, व्हाट सीरियल हैज मोर फाइबर देन कॉर्न सीरियल बट लेस फाइबर देन ब्राउन सीरियल, यानी ओट के अंदर जो है वो मोर देन कॉर्न बट लेस फाइबर देन ब्राउन, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, कॉर्न सीरियल हैव मोर फाइबर देन राइस, कॉर्न हैव मोर फाइबर देन राइस सीरियल बट लेस फाइबर देन व्हीट। ये दो ऑर्डर दिए अमाउंट ऑफ फाइबर के हिसाब से, ये ऑर्डर बन रहा है। स्टेटमेंट वन, ये टू, तो वन और टू तो हमें ट्रू मानना है, ये इंफॉर्मेशन इसके बेस पर बताना है। Of the three kinds of cereal, rice cereal has the least amount of fiber. The least? नहीं सब false होगा. Rice cereal has least amount of fiber. False होगा. सर शायद true होगा क्योंकि rice में सबसे कम fiber है. देखो order देखो. देखो इसमें पहले तो देखो कितने टाइप के तुम्हें बता दिए, अगर हम देखें एक मिनट, तो फाइव बता दिया, तो ये रिपीट हो रहा है, बाकी कोई रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। यस सर। यानी बी ओ ये दिया है, अब सी के साथ ये रिलेशन तो हमें ये ऑर्डर पता चल रहा है, लेकिन डब्लू कहीं यहाँ आएगा, अब इसमें कहाँ पर आएगा, ओ से पहले, बी से पहले, डब्लू से, ये नहीं पता हमें। यानी अगर मैं इस साइड वाले पोर्शन की बात करूं तो मुझे डब्लू की पोजीशन क्लियर नहीं है। yes, sir. सकता है डब्लू सबसे ज्यादा डब्लू इधर आ जाए, हो सकता है बी के बाद आ जाए, हो सकता है बी और ओ से कम हो इधर आ जाए, लेकिन ये वाली चीज तो क्लियर है एकदम। yes, sir. अब देखो क्या पूछा है, स्टेटमेंट थ्री काइंड, थ्री काइंड नहीं है अब तो, ये कई सारे काइंड है, फोर काइंड, फाइव काइंड। राइस सीरियल हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ फाइबर, तो ये तो ट्रू है। सर हम वीट का श्योर नहीं है सर, वो किस पोजिशन पे, बट राइस का, वीट, ओट और ब्रान तीनों में हम अब नहीं है, क्योंकि वीट की वजह से अब वीट, ऑर्डर ये भी हो सकता है डब्लू बी ओ, ये भी हो सकता है बी डब्लू ओ, और ये भी हो सकता है बी ओ डब्लू, तीनों पॉसिबिलिटी बन गई अब,
ए और ओ के बीच में तो रिलेशन पता था, लेकिन डब्ल्यू की वजह से अनसर्टेन हो गया। हो सकता है डब्ल्यू में सबसे ज्यादा हो सकता है सेकंड नंबर पे, हो सकता थर्ड नंबर। लेकिन ये तीन पोजीशन तो हमें क्लियर नहीं, लेकिन ये इसकी फोर्थ पोजीशन हमें क्लियर है और इसकी फिफ्थ, ये दोनों हमें क्लियर है। फराज कह रहा है व्हेन इज अनसर्टेन यूज, इसमें अनसर्टेन यूज नहीं हुआ, ट्रू और फॉल्स से ही आंसर मिल गए। सर लेकिन अगर हमें वीट की पोजीशन पूछी होती तब हम अनसर्टेन कह सकते थे ना। वीट, ब्रान या ओट्स, तीनों में से किसी की भी पूछी होती अनसर्टेन हो जाता। यस सर। कॉर्न की कहते तो हमें पता था फोर्थ पोजीशन है, और राइस की पूछा तो वो तो फिफ्थ है ही लास्ट। ठीक। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। सीक्वेंस वही लॉजिकल सीक्वेंसिंग पे फिर से आ गया क्वेश्चन। यस सर। सी वाला होगा सर शायद। प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन। देखो रिकमेंडेशन वाला सबसे लास्ट पार्ट होता है, ये दो दिख रहा है इनमें से तो कोई एक ही होगा। यानी फाइव और थ्री, फाइव इज इंट्रोडक्शन, थ्री इज अराइवल। तो पहले तो अराइवल होगा तभी कुछ शुरू होगा। yes. तो सबसे पहले तो होना चाहिए यानी अराइवल। अराइवल के बाद ये हमारा आ गया पहली पोजीशन पे। अराइवल के बाद क्या शुरू होगा? प्रेजेंटेशन या इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम क्या देते हैं? इंट्रोडक्शन। यस सर। तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद प्रेजेंटेशन शुरू होगा। यस सर। उसके बाद डिस्कशन, और सबसे लास्ट होगा रिकमेंडेशन। तो पहले पे होना चाहिए थ्री फाइव, तो ये बन रहा है देखो ऑप्शन थ्री फाइव वन फोर, थ्री फाइव वन फोर। तो ये हमारा सीक्वेंस है, अराइवल, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, डिस्कशन, देन रिकमेंडेशन। अब देखो थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। In an election between two candidates, one got 55% of the total valid votes, 20% of the votes were invalid. If the total number of votes was 7500, number of valid votes that the other candidate got. यानी एक इलेक्शन हुआ उसमें दो कैंडिडेट थे, तो देखो सीक्वेंस ऐसे बनेगा, टोटल वोट्स जो उस जगह पर थे, टोटल में से इनवैलिड निकल जाएंगे, फिर क्या बचेंगे? वैलिड वोट्स। इस स्टेप पे कम हो जाएंगे इनवैलिड वोट्स। ठीक। वैलिड वोट्स कितने कैंडिडेट हैं? सिर्फ दो कैंडिडेट हैं, मान लो ए कैंडिडेट और बी कैंडिडेट, तो सारे वैलिड वोट्स इन दोनों को ही मिलेंगे। वन गॉट 55%, जाहिर सी बात है जिसे 55 मिल गया वो जीत गया होगा, ये विनर है। 55% of valid votes, ये ध्यान रखना valid votes के 55 लिखा है। 20% vote were invalid, ये 20% क्या था यहाँ पर? invalid थे। Total number of vote was 7500, ये हमें दिया है 7500। Then number of valid votes that the other candidate, इसको कितने valid vote मिले? This is the question, ये x की value निकालना। पहले हमें क्या निकालना होगा? वैलिड वोट्स। टोटल ये है 20% चले गए, कितने परसेंट बचे? 80%। यस सर। अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा है, क्वेश्चन ही समझ रहे हैं हम। यस सर। ठीक है 80%, 80% का 55% तो इसे मिल गए, तो इसे कितने मिले होंगे वैलिड वोट्स के? 45%। यस सर। ठीक। वैलिड वोट्स कितने हैं? 80% ऑफ टोटल। तो देखो हम इस तरीके से पहले हम निकाल रहे हैं वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स कह रहे हैं हम 80% ऑफ 7500। क्लियर है ये पहले लाइन? यस सर। अब अदर कैंडिडेट को कितने मिले? अदर ही पूछा है ना,
सर 45% मिले, बट उनमें से 20 तो इनवैलिड थे. 80% ऑफ 80% ऑफ वैलिड. हाँ 7500. यस सर. बस ये लिख लिया तो अब तो सिंपल कैलकुलेशन है. यानी अदर कैंडिडेट को जो वोट मिल रहा है 45%, मतलब 45/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है परसेंटेज में. दिस 100 इनटू ये आ गया 7500 आ रहा है सर. बी वाला ऑप्शन. दिस वन कितना आ गया? 2700. ठीक, 5 से अगर काटना चाहे तो और काट लो. 5 9 जा ये हो जाएगा 2. दिस इज 4. 9 4 जा 36 इंटू 75 या मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया? 27. क्लियर है क्वेश्चन? इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट था, 50% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इसे मिले. तो मैं यहाँ उल्टा शुरू किया था. 55 ये दिया था तुम्हें पहले, फिर दिया 20% इनवैलिड होगा, ये दिया 20% और टोटल वोट दिया 7500. देन टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अदर कैंडिडेट गॉट, ये पूछा था. तो हमने इसको डायरेक्ट रिलेट कर दिया टोटल से इस तरीके से कि 45% ऑफ 80% ऑफ 70. ये हमने 20% कितने कम हुए ये सब कैलकुलेशन से बच गया. हमने एक स्टेप में डायरेक्ट कैलकुलेशन किया. नाम अलग से निकाल सकते थे कि इतने वैलिड इनवैलिड हो गए, इसका 20% निकालते, उसे माइनस करते तो वैलिड वोट्स आते, फिर उसका 45% निकालते तब भी यही आंसर. ठीक, तो अब थोड़ा शॉर्टकट निकालने पे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा. ए इज बी सिस्टर, सी इज बी मदर, डी इज सी इज फादर, ई इज डी इज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी. अरे वाह, आ भी गया आंसर. A is B's sister. A क्या है? B के sister. दोनों एक ही generation के, तो left right move होगा. This A is sister. A is sister of B. C is B's mother. Mother मतलब ऊपर जा रहे हैं एक generation. C. D is C's father. एक जनरेशन और ऊपर. ये क्या हो गया? सर ग्रैंड डॉटर ही आ रहा है. एंड ई इज डीज मदर. ओ एक और था, चलो जगह नहीं बची, ये आ गया. ई इज मदर. देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? दिस वन, जाहिर सी बात है इतनी सारी जनरेशन हो गई. क्या हो गया आंसर? ग्रैंड डॉटर. डॉटर देखो यहाँ हमने पहले माइनस लगा लिया था तो हमें पता था ग्रैंड डॉटर है. हो सकता है ऑप्शन में ग्रैंड सन भी दिया होता तो थोड़ा ध्यान रखना था. तो यहाँ ए सिस्टर बताया था तो हमने माइनस लगा लिया तो हमें पता है ये फीमेल की बात हो रही है. तो आंसर क्या होगा? डॉटर ही होगा, ग्रैंड डॉटर. ठीक है, इसे परसेंटेज. अ मैन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट. व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम इज लेफ्ट विद हिम? 12%. डी ऑप्शन. ठीक है, तो हम अभी वैसे कर लेते हैं. देखो टोटल इनकम में स्पेंड 35%. 35% हो गया फूड, 25% हो गया एजुकेशन, चिल्ड्रंस एजुकेशन में. रेस्ट कितना बचा? 35 और 25 मिलके हो गया 60, यानी 40% बचा. yes, अब 80% ऑफ रिमेनिंग, यानी ये जो रिमेनिंग था इसका 80% वो खर्च कर देता है हाउस रेंट पर. What percent of his income is left? ये जो बचा, ये पूछा है. नहीं सर, 8 आ रहा है, 12 नहीं 8. तो हम ये देखेंगे कि अभी नीचे से शुरू कर रहे हैं, 80% इधर गया तो ये कितना होगा? 20%. यस सर. सिंपल. टोटल इन
इनकम अच्छा नहीं दिया है तो टोटल इनकम हम मान लेते हैं, मान लो 100, ठीक। ये जो एक्स है, ये एक्स क्या है, 20% ऑफ 40% ऑफ 100। ये एक्स क्या है, 20% है किसका, 40% ऑफ टोटल इनकम का। तो हम इस 40, हमने इनकम मान ली 100, कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा, ये हो गया 20/100 इनटू 40/100 इनटू 100, 8%, 0 से 2 0 8, यस। यानी कितना खर्च करता है वो, 8 रुपीज, मतलब परसेंटेज हटा दी हमने, 100 का निकाला ना, तो एक्स आ गया 8, लेकिन टोटल इनकम कितनी थी, 100 मानी थी, तो कितनी परसेंटेज बन गई, 8। अगर तुम सर हमें अज्यूम करके ही आएगा आंसर, अगर हम टोटल इनकम अज्यूम करें कि 100 है सर। अगर तुम यहाँ एक्स मानोगे, यस सर, मान लो इनकम हमें पता नहीं था, हमने मान लिया एक्स, तो यहाँ एक्स हो जाता, ये क्या आ जाता, 4 × 8 x, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या हो जाता, एक्स, ओ सॉरी, ये 100 हो जाएगा, 8x/100 होता, 100 नहीं कटता ना यहाँ पे, 100 से 100 कट जाता, ये 100 बचा रहता। हमने ये 100 नहीं माना ना, इस बार x है ये, हाँ तो इससे तो ये 2 0 कट गए, लेकिन ये क्या हो गया, 8x/100 आ जाता, इतना खर्च किया। अब इसकी परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 8x/100 डिवाइड बाई x इंटू 100%, तो ये 8% हो गया। ये एक्चुअल में अमाउंट में आ गई ना तुम्हारे पास, और ये कितने में से आया है, x में से, तो परसेंटेज निकालने के लिए दिस डिवाइड बाय टोटल इनटू 100%, ऐसा करते हैं ना, तो 8%। ये कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसीलिए मैंने 100 लेके कर दिया था डायरेक्ट आ रहा। यहाँ कुछ भी अज्यूम करोगे परसेंटेज हमेशा 8 ही आएगी, कैलकुलेशन चेंज होती रहेगी। 100 लिया तो इजी हो गया, अगर मैं ले लेता मान लो टोटल इनकम इज 17.68 रुपीज, तो तब भी आ जाता, लेकिन कैलकुलेशन मुश्किल होती। एक्स लेके करोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन तुम्हें समझते रहना पड़ेगा क्या कर रहे हो। यस सर। से परसेंटेज, गौरव स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड आर्टिकल, 40% रिमेनिंग ऑफ कन्वीनियंस एंड क्लोथ्स, एंड सेव 50% ऑफ रिमेनिंग। इफ मंथली सैलरी इज दिस, हाउ मच मनी डज ही सेव। मंथली सैलरी देखो 18,400 से शुरू करते हैं, 30% ऑन फूड, 30% कहाँ खर्च कर दिया उसने, फूड, 40% ऑफ द रिमेनिंग, पहले रिमेनिंग निकालो, रिमेनिंग कितना हो गया, 70%, इस रिमेनिंग का 40% ऑन कन्वीनियंस एंड क्लोथ, कन्वीनियंस एंड क्लोथ हो गया ये, एंड सेव्स 50% ऑफ रिमेनिंग, यानी जो रिमेनिंग बचा 60%, उसका 50% सेव करता है, आ गया 50। इफ हिज मंथली सैलरी इज दिस, हाउ मच मनी डज ही सेव, यही चीज पूछ रही है। तो ये इस बार देखो 50% ऑफ 60% ऑफ 70% ऑफ दिस, यानी x की वैल्यू होगी 50% ऑफ 60% ऑफ 70% ऑफ 18400, 0 से 0 2 0 गए इससे, इससे और ये 1 0 से 1 0, 5 से गया 2, ये आ गया 2 से गया 3, 21 × 180। देख लो क्या आंसर आ रहा है इसका, सीधे
पूरी कैलकुलेशन करे बगैर मैं ऑप्शन ए लिख रहा हूँ, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। क्यों? ये देखो यहाँ वन है लास्ट में, ये फोर है, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन बनता है, फोर हमेशा लास्ट में आएगा। ये वैसे भी देखो ऑड नंबर आ रहे थे तो आ नहीं सकता था, इवन और ऑड की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इवन आता है, ये तीन ऑप्शन नहीं हो सकते थे। तो वैसे सिंपल कैलकुलेशन थी, कर भी सकते थे वरना डायरेक्ट हम आंसर भी लिख सकते थे। कॉन्सेप्ट फिर से समझ लो, मंथली सैलरी ये दी थी, फिर उसने कहा 30% ऑफ मंथली सैलरी ऑन फूड, ये हो गया, बचा कितना 70% ऑफ दिस, 40% ऑफ रिमेनिंग ऑन कन्वीनियंस, ये जो 70% बचा इसका 40% यहाँ खर्च कर देता है, अब कितना रिमेनिंग बचा 60% ऑफ दिस, ये आपस में रिलेटेड है। इसमें से 50% ऑफ रिमेनिंग यानी ये जो 60% बचा था ये सेव कर लेता है, तो जो सेव हुआ वो पूछा उसने एक्स, तो हम एक्स को लिखा 50% ऑफ 60% ऑफ 70% ऑफ दिस। यस, क्लियर? यस सर। बस अब छोटे छोटे तीन क्वेश्चन, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर? सर बी आउंस। और बताओ भाई कोई, आफ्ताब मुबशिर आंसर है इसका तो बताओ। चलो does not belong with the ounce। yes sir, inches centimeter yard दोनों सेम है। yes sir, length और ounce सही बताया। ये भी length measure करता है, ये भी length measure करता है, ये भी length measure करता है, ये तीनों length measure करते हैं। ounce क्या measure करता है? weight। ये वेट की यूनिट है। 59 does not belong सर, कार सर, क्योंकि टायर इंजन और स्टीयरिंग व्हील पार्ट्स है। ये तीनों क्या है? ये सब कार के पार्ट्स है। यस सर, कार हो गया। व्हिच does not belong, लास्ट क्वेश्चन हमारा सर, विजन डी सर, कॉर्निया प्यूपल रेटिना आई के पार्ट्स है। ये सब आई के पार्ट्स है, गुड। ये तीनों हमारे आई के पार्ट्स हैं जिससे हम देख पाते हैं। विजन ये आई का कोई पार्ट नहीं, फिजिकल पार्ट नहीं। यस सर, हमारे डिफरेंट। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, इसके बाद तो सोशल अवेयरनेस शुरू हो जाती है। तो आज हमने दो पेपर डिस्कस कर लिए, पॉलिटिकल साइंस 17 और 18। तो नेक्स्ट क्लास में हम बीए पॉलिटिकल 19 और सोशियोलॉजी 19, ये दोनों पेपर डिस्कस करेंगे। ये पॉलिटिकल साइंस में अच्छा खासा मैथमेटिक्स यूज हुआ है पिछले साल क्वेश्चंस में, वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो शॉर्ट ट्रिक यूज होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी ये सब एक ही है, ज्योग्राफी इसका भी 2019। ठीक है, फिर क्लास के बाद एमबीए। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी हमारी? सर नेक्स्ट का भी डिस्कस करके बता देंगे, हो सकता है टाइमिंग थोड़ी चेंज हो, मतलब मॉर्निंग की जगह हम इवनिंग में कर दें क्लास। ओके सर, क्योंकि कई लोगों की क्लासेस वगैरह का हो रहा है, फराज के भी एग्जाम वगैरह हो रहे थे कह रहे थे, तो ठीक है, तो इवनिंग में कर लेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगी। ठीक है, तो एक बार मैडम को फोन कर लेना या मैडम फोन करके तुम्हें बता देंगे टाइमिंग्स। हाँ फराज सर, बस मेरा एक चीज होता है, 5 to 6 मेरी एक क्लास होती है कॉलेज की सर, अगर 5 to 6 के बगैर कोई टाइमिंग होगी तो। हाँ सर, 4 to 5 सही रहेगा। हाँ सर, यस सर, 4 to 5 ठीक रहेगा। चलो ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेंगे, वरना मोस्ट प्रोबेबल 4 to 5 मान के चलो। हाँ फराज, एमबीए के लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कुछ दिन और रुक जाओ अभी। नहीं अब देखो आज का जो पेपर थे ना, ये दोनों फराज, आज के जो दोनों पेपर थे ये बहुत इजी पेपर थे, इसमें कोई
ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन अब जब नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे 19 वाले, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा खासा आया था, और उसके बाद हम बीबीए बीए इकोनॉमिक्स वाले करेंगे तो उसमें भी मैथमेटिक्स, वो एमबीए वाले ही पैटर्न है लगभग उनका, फिर हम एमबीए करेंगे, ठीक है? दोनों चीजें करनी, इसलिए मैं ये कहूंगा कि जब हम एमबीए लास्ट में करेंगे और इन लोग जो कि इतना हाई लेवल नहीं पढ़ना चाहते तो वो चाहे तो उन क्लास को स्किप कर देना फिर, क्योंकि एमबीए का लेवल डिफिकल्ट रहता है, मतलब मैथमेटिकल और क्वांट वाला पार्ट अच्छा खासा डिफिकल्ट होता है। नहीं, मैं मेरा प्लान तो ये है कि नेक्स्ट वीक में ही कर लें हम सारे पेपर्स, चाहे क्लासेस डेली करनी पड़े, लेकिन ये मुझे एक बार टीम से बात करनी पड़ेगी कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। मतलब मेरी प्रेफरेंस तो ये है कि नेक्स्ट वीक ही सब पेपर्स हो जाएं, अगर नेक्स्ट वीक नहीं हो पाते किसी रीजन से तो उससे नेक्स्ट वीक हो जाएंगे, ठीक है? नहीं, हमारे पास है पूरे पेपर्स हैं हमारे पास, ठीक है? ठीक है, फिर आज की क्लास सेंड करते हैं फिर। थैंक यू सर। थैंक यू।